सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल सुगम फूड को और बेल आइकन को कर दीजिए क्लिक, और तीन ऑप्शन में से ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपका फिर से स्वागत है मेरी चैनल सुगम फूड में, और आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ एक नया और मज़ेदार और शानदार वीडियो। सो गाइस, आपको घर में एक प्रॉब्लम तो रहती होगी कि आपको जब बाहर खाना हो तो आपके दादा दादी को खाना होता है, गुजराती खाना होता है, और आपके भाई बहन को ये चाट और साउथ इंडियन इटालिक, और आपको खाना होता है चाइनीज़। सबकी चॉइस अलग अलग रहती है, तो उसके लिए मैं एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। यहाँ पर जो जूनागढ़ के जो फेमस रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट पार्टी प्लॉट, तो वो है द 56 भोग रेस्टोरेंट। यस गाइस, गार्डन रेस्टोरेंट है ये, तो आपको और मज़ा आएगा, और आपको गर्मी के मौसम में भी गाइस आप यहाँ पर आ सकते हो। बहुत ही आपको ठंडी ठंडी हवाएं आएगी यहाँ पर। आपको बच्चों के लिए गार्डन भी है वहाँ, प्ले ग्राउंड जैसा, तो आप वहाँ पर बच्चों को खेल भी सकते हो। आपको पिज़्ज़ा खाना तो वो भी मिलेगा, डोसा मिलेगा, सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिलेगा, सब कुछ अनलिमिटेड इन 250 रुपीज़। यस गाइस, ओनली एंड ओनली 250 रुपीज़ अनलिमिटेड, वो भी बफे। तो यहाँ पर आपको बफेट भी मिलेगा अनलिमिटेड सिर्फ 250 में। यस गाइस, तो मैं आपको यहाँ का फूड एक्सप्लोर करवाता हूँ। चलो गाइस, चलते हैं यहाँ का फूड देखते हैं गाइस। आप यहाँ का मेन्यू देख सकते हो, सब कुछ ये चीज़ें 250 में अनलिमिटेड है, तो आप यहाँ का मेन्यू देख सकते हो 56 भोग का। सो गाइस, यहाँ का 56 भोग में जो यहाँ का जो मेन्यू होता है वो हर रोज़ चेंज होते रहता है, तो कई दिन जो आइटम है वो चेंज हो सकती है। अंकल, आपका नाम क्या है? मनीष त्रिवेदी। तो यहाँ का जो आपको ये 56 भोग रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर कितना, आपका एक्सपीरियंस कितना है यहाँ का फूड का और सब कुछ? मैं पिछले 20 सालों से फूड बिजनेस में काम कर रहा हूँ, और सागर नमकीन, सागर फूड लाइन, सागर पिज़्ज़ा शॉप और रस सागर कैटरिंग, ये मेरा बिजनेस है, और पिछले 20 सालों का मुझे एक्सपीरियंस है फूड का। 56 भोग रेस्टोरेंट ये हमारा नया वेंचर है, हमने अभी भी शुरू किया है, 10 दिन हुआ है। फूड का एक्सपीरियंस बहुत सालों का है, और लोगों को क्या चाहिए ये मैं जानता हूँ, क्योंकि कैटरिंग मेरा काम है। कैटरिंग में मैं दिन में 500-600 हज़ार लोगों को खाना खिलाता हूँ, किनको क्या पसंद आता है वो पता है, इस हिसाब से हम लोग फूड बनाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने नया डिज़ाइन किया, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, आप जाते हो कहीं भी रेस्टोरेंट में, आपको पंजाबी मिलेगा, गुजराती मिलेगा, चाइनीज़ मिलेगा, पर एक ही जगह पर सब कुछ मिलेगा ये ज़्यादातर नहीं हो पाता। अभी आप फैमिली के साथ निकलते हो तो अंकल आंटी मांगते हैं काठियावाड़ी गुजराती, बच्चे मांगते हैं चाइनीज़ साउथ इंडियन, और हम लोग मांगते हैं पंजाबी। तो एक ही जगह ऐसी रहेगी कि जहाँ पर आपको सब मिलेगा। तो इस हिसाब से हमने डिज़ाइन किया कि यहाँ पर जो भी कस्टमर आए उनको जो भी चाहिए वो एक ही जगह पर मिल जाए। अंकल आंटी, बच्चे, हम लोग खुद, सबको चाइनीज़, पंजाबी, साउथ इंडियन, चाट सब मिल जाए डेजर्ट के साथ में। तो इस हिसाब से हमने अपना ये मेनू डिज़ाइन किया है, और इस हिसाब से हम आगे चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सब कुछ आप मुझे यहाँ का आइडिया जो दिला दीजिए मुझे सब कुछ। अभी चालू है मॉकटेल, ज़्यादातर होटलों में मॉकटेल बहुत महंगा मिलता है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा रहता है, और इसका ज़्यादा भी होता है, पर यहाँ पर हम लोग लाइव मॉकटेल देते हैं, और वो भी अनलिमिटेड। अपने जो अपना जो प्राइस है 250, इसमें इधर आपको मॉकटेल भी अनलिमिटेड मिलेगा, और वो भी लाइव। एग्जैक्ट एड्रेस और यहाँ का टाइम बता दीजिए। बिल्कुल, शाम को 7:30 बजे यहाँ शुरू हो जाता है, और 10:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है, और एड्रेस है चौबारी रोड, नियर
चौबेरी फाटक। अगर आप जूनागढ़ सिटी से आते हो तो झांझरड़ा अंडर ब्रिज से आप आओगे लेफ्ट साइड में चौबेरी रोड पे, तो वहाँ पर थोड़ा आगे जाने से ये मिल जाएगा। अगर आप मधुरम से आते हो वो साइड से तो चौबेरी फाटक आएगा। पूरे बाईपास रोड पे एक ही फाटक है, फाटक से आप राइट साइड में उड़ जाना तो तुरंत ही आ जाएगा छप्पन भोग रेस्टोरेंट। वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स, आप सबको मैं यहाँ इनवाइट करता हूँ, आइए इधर हमारी मेहमान गति का आनंद लीजिए, क्योंकि काठियावाड़ की मेहमान गति वर्ल्ड फेमस है। तो हम आपको वेलकम करने के लिए आतुर है, आप आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नमस्कार, थैंक यू। सो गाइज, हम आ चुके हैं मॉकटेल बार में। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो जगलिंग कर रहे हैं। तो अंकल, यहाँ पर आपको कितने टाइप्स की है ये मॉकटेल्स? यहाँ पे 15 जब की है, वेरी बेरी, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ऑरेंज, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, गुलाब गुलकन, लेमन, तो मोइतो, ब्लूबेरी, ब्लू लगून। तो मुझे आप पहले स्ट्रॉबेरी दे दीजिए एक। गाइस, स्ट्रॉबेरी या मॉकटेल वो हमारे आ चुकी है गाइस। तो मेरी जो फेवरेट फ्लेवर है वो स्ट्रॉबेरी। वाओ गाइस, बहुत ही बढ़िया है, इसकी फ्लेवर आ रही है स्ट्रॉबेरी की और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। तो यहाँ का आपको फीलिंग भी ऐसी आएगी, ऐसे जगलिंग करते हुए करते आपको करेंगे तो यार मुझे तो बहुत ही पसंद है यहाँ का जो मॉकटेल। जो अब हम दूसरे भी मंगवाते हैं गाइस। तो गाइस, यहाँ का जो इतनी सारी मॉकटेल है, तो भाई मैं तो कंफ्यूज हो चुका हूँ कौन सी पीऊँ गाइस। तो यहाँ से पूछ रहे थे, तो यहाँ की आपकी जो फेमस है वो मुझे बना दीजिए। कौन सी है फेमस? मिंट वाली बना देता हूँ। मिंट? ओके, जो मिंट की है जो वो आपको मुझे बना दे रहे थे, चलो देखते हैं। वाओ गाइस, जो इसकी मिंट के जो फ्लेवर है तो वो अब हम ट्राई करेंगे। वाओ गाइस, दिखने में तो आप देख सकते हो बहुत ही डेकोरेटिव बनाया है। तब हम इसको ट्राई करेंगे गाइस। वाओ गाइस, जो इसकी फ्लेवर है वो मिंट की और जो लेमन का भी थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है, और ये फुल रिफ्रेश करने वाली जो मॉकटेल होगी वो यही है। मैं आपको यही प्रिफर करूँगा, आप यही पीना। तो इसमें जो मज़ा आता है पीने में वो कुछ अलग ही है गाइस। तो चलो अब आगे भी बढ़ते हैं। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे अब सूप से। तो अब हम ये कौन सा सूप है? टोमेटो सूप। यस गाइस, तो मुझे एक टोमेटो सूप दे दीजिए आप। ये क्रीम डाल दिया। वाओ गाइस, वाओ गाइस, जो ऊपर से क्रीम डाला है तो ये बहुत ही बढ़िया है जो टोमेटो सूप। वाओ गाइस, जो क्रीम डाला गया तो उसका भी टेस्ट आ रहा है, तो क्रीम बहुत ही बढ़िया है। तो ये इसमें जो क्रंच डाला गया है वो ब्रेड का, वो भी बहुत ही क्रंची है। ये सूप है वो बहुत ही काफ़ी हद से बढ़िया है ये टोमेटो सूप। तो मुझे तो ये टोमेटो सूप भी पसंद है गाइस। तो चलो अब मैं आपको दूसरा सूप भी दिखाता हूँ। तो ये दूसरा सूप है यार, मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द मंचाओ सूप। तो मंचाओ सूप भी हम ट्राई करेंगे गाइस। तो यहाँ पर हम बैठ कर ट्राई करेंगे गाइस। तो गाइस, तो मेरे का टेबल पर आ चुका है गाइस हम। तो यहाँ का दो टाइप के सूप मिलते हैं, पहले मैंने आपको टोमेटो बताया और ये मंचाओ सूप। यस गाइस, मेरा फेवरेट होता है मंचाओ सूप। मैंने आपके लिए दो सूप ऑर्डर मतलब वहाँ से मैंने लिए थे आपके लिए, टेस्ट करने कैसा है मैं आपको भी बताता हूँ इसलिए। वाओ गाइस, जो इसका जो मंचूरियन जैसा फ्लेवर आता है चाइनीज़ जैसा, और उसमें सारे जो वेजेस डाले गए हुए हैं और जिसने कंसिस्टेंसी होनी चाहिए गाढ़ा है वो भी बेहतरीन है। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया गाइस। तो गाइस, यहाँ पर आपको स्टार्टर्स में मिलता है मंचूरियन ड्राई। तो चलो वो हम एक प्लेट मंगवाते, चलो एक मंचूरियन ड्राई हमको दे दो प्लेट। तो गाइस,
हम मंचूरियन यहाँ का ट्राई करेंगे। सो गाइस थोड़ा सा हम केचप भी डालेंगे। तो अभी यहाँ पर आपको चाट में मिलता है पानी पूरी। यस गाइस, पानी पूरी किसकी नहीं फेवरेट होती है, सबकी फेवरेट होती है पानी पूरी। तो अब हम यहाँ के भैया पानी पूरी वो भी ट्राई करेंगे गाइस। सो गाइस यहाँ पर हमने स्टार्टर्स में ले लिए मंचूरियन ड्राई, तो अब इसको ट्राई करते हैं गाइस। इसमें मैंने ऊपर से केचप डाला। जो गाइस जो मंचूरियन ड्राई है जो वो तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहते ही है, लेकिन जो यहाँ के मंचूरियन ड्राई है वो बहुत ही सॉफ्ट है। गाइस हमने ले लिए चाट में जो पानी पूरी, तो यार ट्राई करेंगे। जो इसकी पानी पूरी का शेप देखते हो बहुत ही बड़ा है, तो ये मीठा पानी लिया है हमने, तो इसमें हमें बूंदी डाली गई हुई है सर्विंग में। जो पूरी की साइज है वो भी बड़ी है, जो अंदर की जो स्टफिंग है वो भी बहुत ही बढ़िया है, जो पानी भी मीठा है, तो मुझे पसंद है मीठा पानी। तो ये मुझे पसंद आया सर गाइस। अब अगली आइटम पे बढ़ते हैं। पिज़्ज़ा है मैं, ये है वेजिटेबल पिज़्ज़ा, तब हम ये ट्राई करेंगे गाइस। वाओ गाइस कितने सारे वेजिटेबल्स डाले गए हुए हैं। ये जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही बढ़िया है, इसमें सारे वेजिटेबल्स भी डाली गई है, कैप्सिकम टोमेटो। सो गाइस ये पिज़्ज़ा भी जो अनलिमिटेड है, तो आप सोच रहे हो कि ये पिज़्ज़ा जो मैदे का बना होता है, नहीं गाइस यहाँ का जो पिज़्ज़ा है वो गेहूं का बना होता है। यस गाइस, तो आपको जितना खाओ उतना खा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। जो नॉर्मल पिज़्ज़ा होता है उससे भी बढ़िया है ये पिज़्ज़ा, जो गेहूं का पिज़्ज़ा है वो आपका कुछ नुकसान भी नहीं करेगा। और ये हम दूसरे भी अब आइटम पिज़्ज़ा के चलो ट्राई करते हैं। सो गाइस अब मैंने लिया चीज़ गार्लिक ब्रेड, तो गाइस वो अब हम ट्राई करते हैं चलो। जो ब्रेड है वो भी बहुत ही क्रंची है, इसमें चीज़ डाला है वो भर भर के चीज़ भी डाला है, तो मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया गाइस। तब हम अगला पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं गाइस। सो गाइस अब हमारा आ चुका है जो चीज़ पिज़्ज़ा, मार्गरेटा पिज़्ज़ा भी आप कह सकते हो, तो वो आ चुका है। तो अब हम इसको भी ट्राई करेंगे गाइस। इसमें चीज़ है वो भर भर के डाला हुआ है, बाकी जैसे चीज़ पिज़्ज़ा है तो डाला तो होगा ना। वाओ गाइस चीज़ का तो फ्लेवर आ ही रहा है, नीचे जो सॉस उसका डाला गया होता है पिज़्ज़ा का उसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। गेहूं का पिज़्ज़ा है तो फिर तो भी अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है, बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा है, तो मुझे तो ये पसंद आया चीज़ पिज़्ज़ा गाइस। गाइस मैंने साउथ इंडियन में लिया है मैसूरी डोसा, तो अब हम वो ट्राई करेंगे गाइस। उसकी जो चटनी है ये मैंने वो ली है, वो भी बहुत ही स्पाइसी है, मैसूर डोसा भी बाकी में स्पाइसी है। गाइस सांभर भी बहुत ही स्पाइसी है और बढ़िया है, तो मुझे तो ये साउथ इंडियन में मैंने मैसूरी लिया है, तो आप यहाँ का दो और भी है मसाला और प्लेन आप कोई भी ले सकते हो। सो गाइस ये हमारा डिनर आप देख सकते हो गाइस, ये मेन्यू है आज का डिनर में। और ये गाइस आप सलाद में देख सकते हो कितनी सारी वेराइटीज है, टोमेटो है और ये सब कुछ, आपको गाजर है या पास्ता सलाद भी है। वाओ गाइस ये पिकल भी है, तो गाइस सलाद में भी बहुत सारी वेराइटीज़ आपको देख सकते हो गाइस।
गाइस अब हमने जो अपनी प्लेट जो है फुल वो ले चुकी है हमने। ये बटर नान है, ये हमें बटर नान है और ये पनीर तूफानी सब्जी पंजाबी में, और गुजराती में मैंने लिए काजू गाठिया की सब्जी, और मैंने सलाद लिया है पास्ता सलाद, और ये टोमेटो, और स्वीट में आप देख सकते हो गुलाब जामुन। तो आप सोच रहे हो कि बाकी सारी चीज़ें कहाँ हैं। सो गाइस मुझे जो पसंद थी वो मैंने ही ली है, आप भी ऐसे ही करना, आपको जो पसंद है वही लेना, दूसरी चीज़ मैंने अवॉइड की है। तो अब मैं ये स्टार्ट करता हूँ गाइस। वाह गाइस इसमें आप देख सकते हो पनीर है, और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही बढ़िया है गाइस दिखने में। एक पनीर का पीस मैं लेना चाहूँगा। जो पनीर की सब्जी है उसका टेस्ट है ना नेक्स्ट लेवल का है गाइस। आप देखेंगे जो पंजाबी सब्जी है पनीर, उसमें पनीर का जो टेस्ट आ ही रहा है, स्पाइसी सा है, उसकी ग्रेवी भी बहुत ही बढ़िया, सारे वेजिटेबल्स भी डाले गए हुए हैं, तो बहुत ही बढ़िया है गाइस। तो अब हम जो गुजराती सब्जी है काजू गाठिया की वो हम ट्राई करते हैं गाइस। ऑनियन भी है, काजू भी है, गाठिया भी है, और इसका जो इसमें रसा भी थोड़ा सा है, और ग्रेवी भी थोड़ी सी जो गाठिया की बन चुकी है। तो ये गुजराती सब्जी भी बहुत ही बढ़िया है गाइस, सारी चीज़ें वो बहुत ही बढ़िया है। तो हम पास्ता सलाड है वो हम लेंगे गाइस। गाइस जो ये पास्ता का सलाड है तो वह बहुत ही बढ़िया है। सो गाइस आप देख सकते हो पीछे कितनी सारी भीड़ है, यहाँ का सबको यहाँ का जो फूड है वो पसंद है, तो आप भी यहाँ पर ज़रूर आना गाइस। तो हम लास्ट में जैसे कि हम लेते हैं स्वीट, यस गाइस हमारे पास आ चुकी है स्वीट में गुलाब जामुन। यस गाइस इसकी साइज आप देख सकते हो गाइस बहुत ही बढ़िया है। तो गुलाब जामुन तो मुझे बहुत ही पसंद है, तो ये ट्राई करते हैं गाइस। वाओ गाइस ये बहुत ही रसीला है गुलाब जामुन, मीठा है और बहुत ही बढ़िया है, सॉफ्ट ही भी है। तो इसमें जो रस है बहुत ही जो मीठा रस है, रसीला है बहुत ही। तो मुझे तो ये यहाँ का जो फुल मेन्यू है वो मुझे बहुत ही पसंद आया है गाइस। सो गाइस मैंने यहाँ पर विजिट ली 56 भोग पे, और यहाँ का जो फूड था, अरे मैं आपको क्या बताऊँ, सब कुछ यहाँ का मॉकटेल से लेकर पंजाबी तक, चाइनीज से लेकर सूप तक, सब कुछ यहाँ की जो चीज़ें थी वो बहुत ही बढ़िया थी। और पिज़्ज़ा, डोसा, सब कुछ, मंचूरियन, सूप, मॉकटेल्स, पंजाबी, सब कुछ। तो यहाँ पर आप ज़रूर विजिट लेना गाइस, यहाँ का जो सारी चीज़ें हैं बहुत ही हद से बढ़िया है। तो यहाँ का मुझे तो बहुत पसंद आया गाइस। आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल सुगम फूड को सब्सक्राइब कर देना गाइस। और आपको यह वीडियो और भी ज़्यादा आपको लगता है मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप यह इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपको आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि उनको भी पता चले ऐसी होटल कहीं पर है, इतनी बढ़िया पार्टी प्लॉट रेस्टोरेंट कहीं पर है। तो टिल देन गुड बाय, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।